आज हम जा रहे हैं दुबई की नाइट लाइफ देखने के, दुबई की रातें कैसी रहती है, तो लेट्स गो। कोई बोलता है ना भाई दुबई आओ, देखो ये हालत है भाई। गाइस रात के 3 बज चुके हैं दुबई में और पूरी गली सन्नाटा है और तुम्हारा भाई यहाँ पर बाइक पे मजे कर रहा तो देखो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसे लोगों से मिलने वाले जो दुबई में हमारे लिए मतलब अपने जैसे है। और आज हम दुबई की नाइट एक्सप्लोर करेंगे कि रातों को दुबई कैसा रहता है। लोगों ने दिन में देखे बुर्ज खलीफा देखे, लेकिन ये जो साइड में दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और फटाफट जल्दी चलते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ हमेशा की तरह, तो लेट्स गो। अभी मैं आ चुका हूँ आगरा में और अभी मेरे साथ है मेरे भाई लोग जो मेरे को दुबई में असली दुबई जो घुमाने वाले हैं, वो इश्तियाक भाई हमारा जो आज हमारी फ़ोटो वीडियो में हेल्प करेगा। और वहाँ पर है हमारा वसीम भाई जो हमारे अच्छी से गाइड करेगा कि हमको कहाँ जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए। और देख सकते हो बड़ी बड़ी शिप है यहाँ पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर यहीं पर सब होता है। और अभी हम लोग ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ हम लोग जाके मतलब कम से कम अच्छी फ़ोटो और रील बन सके। मैंने रील एक भी नहीं बनाया हूँ, दुबई आ गए हो लेकिन लोग मेरे को बोल रहे कि भाई रील बना, फ़ोटो डाल, व्यूज डाल, तो सब डालेंगे, सबर रखो, सब बन रही है। देख सकते हो सब इंपोर्ट मटेरियल जाता है यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी साइकिल, भाई ये लिटरली साइकिल्स है भाई। कोई बोलेगा ये साइकिल, कोई बोलता है ना भाई दुबई आओ, देखो ये हालत है भाई, पसीने से लथपथ हो चुका हूँ, बस इतना रास्ते से आ चुका हूँ और हवा नहीं आ रही भाई, ऐसा लग रहा है लू लग रही है और इतना पसीना हो रहा है देख सकते हो। और अभी जा रहे हैं मेन लोकेशन पे जहाँ पर हम लोग वीडियो रील्स वगैरह बनाएंगे और अभी पूछते हैं हमारे भाइयों का हाल। भाई कैसा लगता है दुबई में रहकर? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, दुबई बहुत अच्छा है, दुबई बहुत अच्छा है। बड़ी बड़ी शिप्स हैं यहाँ पे और ये सब, अभी ये देखो यहाँ पर भाई ओवन पड़े ऐसे खुले, देखे देखो ये एयर कंडीशनर खुले पड़े भाई, लेके जाओ मुफ्त, लेके जा नहीं सकते, 2 मिनट में पुलिस आ सकती है। और पूरा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, देख सकते हो यूएई का झंडा लगा हुआ वहाँ पे। और आज पहली टाइम आईफोन 14 प्रो पे मैक्स पे ब्लॉग हो रहा है, तो सोच सकते हो। और ये वीडियो को तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों ने इतना मेरे को प्यार दिया इस वीडियो पर। मैंने सबके कॉमेंट्स पढ़े, जिसने मेरे को फील किया, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कमेंट करते रहो, दुबई सीरीज हिट बनाते रहो। ये पता नहीं कि मुंबई किधर है, मैंने भाई को पूछा, ला भाई बम्बई के बारे में कुछ पता है? भाई को मैंने बोला भाई हाजी अली पता है, मोहम्मद अली रोड पता है जहाँ हम रहते, भाई बोला नहीं। जब मैंने बोला दाऊद पता है डॉन दाऊद, तो बोलता हाँ भाई पता है, तो मैं देखो ये होता है कॉफ। और मैं उसको बताया, मिला मेरा घर वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर, तो आप लोग सोच सकते हो क्या माहौल है हमारे एरिया का, मतलब डर देखो यार, सबको पता है। तो भाई आज हमको दिखी है मस्टैंग, मतलब दुबई में ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन आज हम इसके ऊपर करेंगे फोटो शूट, तो चलते हैं फोटो निकालने के लिए। भाई जैसे तुम लोगों को पता है कि जैसे तुम लोगों ने आगे की वीडियो देखे कि मैंने बाइक किया था ये बाइक जो हमारी दुबई सीरीज़ की हमारी साथी है, मतलब एज अ सोलो ट्रैवलर जो मैं सोलो ट्रैवलिंग करने वाला हूँ, जो दुबई घूमने वाला हूँ, तो उसके साथी है ये। इसको लेके हम हर जगह घूम रहे हैं, नाइट लाइफ जा रहे हैं, रात भर घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं सिर्फ इसको लेके। तो ये चालू कैसे होती है मैं बता रहा हूँ। तो ये इसके फंक्शंस है और ये हमने बैग लिया कि कभी भी कुछ सामान डालना हो
तो इस छोटी सी डब्बी में आ जाए। और यहाँ पर हमारा हॉर्न है, ये लाइट है, और चालू कैसे करते हैं मैं बता दो, इधर आओ, ये बटन प्रेस किया तो यहाँ पर हमारी आ गई तीसरे गियर पे। इसके दो गियर है, तीन गियर है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। और यहाँ पर इसकी लाइट चालू होते हुए ये कोना है इसकी लाइट का, और लाइट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप फोकस देख सकते हो लाइट का, ठीक है। और फिर भी हमने एक्स्ट्रा लाइट के लिए ऐसी लाइट लगाई है जो हमारे मुंह पे आ रही है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप पे भी कर सकते हैं। तो ये लाइट है, डिस्को भी बन सकती है लाइट, और ये है। और हॉर्न भी हमारा सुना देता हूँ कि भाई दुबई में आए हैं, हॉर्न तो सही है ना, दुबई में आके हॉर्न सुना, हॉर्न सुनते हैं और अब निकलते हैं घूमने के लिए। तो देखना है कि मतलब मैं इसको इतना लेके फ़ायदे में हूँ। ये मुझे पड़ी थी 1200 धर्म्स की, जी हाँ 1200 धर्म्स, आप इंडियन में कैलकुलेट कर सकते हो। और इतनी प्यारी लगी मुझे कि भाई मैं हर जगह लेके जा रहा हूँ, मतलब आपने देखा मैं कितना बच्चे जैसा पन में चला रहा हूँ भाई। और एक और राउंड मारते हमारे भाई हमारे लिए शूट कर, गाड़ी है ये। अगर कोई दुबई आ रहा है और वो 3-4 मंथ के लिए स्टे कर रहा है, तो मैं रेकमेंड करूँगा, नॉट अ स्पॉन्सरशिप, रेकमेंड करूँगा कि भाई ये बाय करो, ये बाय करने लायक चीज़ है। तो अभी इस पे मैं थोड़ा रील्स फोटो वगैरह बनाता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहाँ की वीडियो बनने वाली है, और वो रहा हमारा बुर्ज खलीफा जहाँ हम बहुत जल्द जाने वाले, वो रहा हमारा दुबई फ्रेम जो हम ज़रूर जाएंगे, और यहाँ पर भी कल रात को फ़ोटो निकालेंगे। बहुत सारी चीज़ें करने को है। रात के 3 बज चुके हैं दुबई में, और पूरी गली सन्नाटा है, और तुम्हारा भाई यहाँ पर बाइक पर मज़े कर रहा है। मतलब सोच सकते हो इतने धमाल हो रहे हैं यहाँ पर, पूछो मत। और मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि इस बार रील मैंने YouTube पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली रील्स फ़ोटो पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने वीडियो बनाए थे लेकिन रील्स फ़ोटो नहीं बनाए थे। तो अभी फटाफट है ना घर जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और कोई नहीं दिखेगा भाई, लिटरली कोई नहीं दिखेगा तुम्हें यहाँ पर, लिटरली सिर्फ मैं हूँ और बस कोई नहीं है भाई, हमारी बाइक और हम। तो भाई हमारी दुबई की शादी लग चुकी है उसकी जगह पर, अब उसको करते हैं बंद। और भाई जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा कि आज तुम्हारे भाई ने नाइट लाइट दिखाया, जी हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं वो 18 प्लस वाला कंटेंट बनाने वाला था, लेकिन देखो जो मेरे को लगता है कि मेरे को मेरे बच्चे लोग भी देखते हैं, फैमिलीज देखती है मेरे को, और कितनों की मम्मियाँ देखती है, तो देखो उन लोग के रिस्पेक्ट से मैं वो 18 प्लस कंटेंट नहीं बनाने वाला। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि ना मैं हमारी जो बाइक है, हम ये बाइक को जल्द से जल्द इंडिया इंपोर्ट कर देंगे। अगर ये इंडिया इंपोर्ट होती है तो ये बन जाएगी इंडिया की फर्स्ट ई स्कूटर बाइक। जी हाँ, इंडिया की फर्स्ट ई स्कूटर बाइक बनने वाली है, जो यूट्यूब पर जाने वाली है। शायद ही कोई ब्लॉगर के पास ये बाइक होएगी। अगर मैं इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि अगर फटाफट से अगर ये मेरे को मिलती है इंडिया में इम्पोर्ट होके, तो उसके ऊपर अपन एक रैप करने वाले हैं। और ये फुली लीगल बाइक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक है, तो पुलिस वालों से डरना भी बिल्कुल भी नहीं है, और ना इंडिया में हेलमेट पहनना है ना कुछ। तो मतलब तुम लोग सोच सकते हो कितनी अच्छी बात होने वाली है। तो इसको ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो उठना है 9:30 को। जी हाँ, 9:30 को उठ के हमको तैयार होना है, नहाना है, बाल सेट करना है, और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाली है, क्योंकि उसमें हम बनने वाले हैं अरबी। और एक जो सपना था मेरा वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। जी हाँ,
इस सीरीज में इतने सपने पूरे होने वाले हैं, शायद ही मैंने जितने सपने गिना होगा वो पूरे होंगे, तो सोच सकते हो। और एक न्यूज़ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है, इतना समझ लो कि हम उड़ने वाले हैं। जी हाँ, हम उड़ने वाले हैं। तो जो भी सोच रहा है क्या है सोचो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि उड़ने के रिलेटेड क्या चीज़ है। और ये नेक्स्ट वीडियो में नहीं आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आएगी, लेकिन जब भी आएगी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगी और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमारे दोस्त आने वाले हैं, जी हाँ, उसका नाम है नवाज शेख। जी हाँ, उसमें आने वाला है नवाज शेख, जो यहाँ का लोकल है। जी हाँ, मैंने एक वीडियो में बताया था, आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि नवाज शेख कौन है, जो यहाँ का लोकल अरबी है। तो वो आएगा और फुल्ली कॉमेडी इंसान है वो, जब भी आएगा बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, और ये वीडियो पर प्लीज़ 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 कमेंट करके जाओ। कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने वीडियो बना के वर्थ रखा। और एट द एंड भाई, इंसान को क्या ही चाहिए, दुबई में आए हो और एवोकाडो जूस नहीं पिए हो, मतलब तुमने कुछ नहीं किए हो मेरी जान। और मैं भाई रोज़ डेली ये पी रहा हूँ, भले मेरी डाइट भाड़ में जाए लेकिन ये इंडिया में इतना कॉस्टली है ना भाई, पूछो मत। और यहाँ पर इसका टेस्ट अलग ही है, तो जब भी आओ इसको ज़रूर पियो। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब।